हम सब ए एन एम बहन है जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है जो यूपीएससी ऑफिस के सामने में खड़े हैं। तो आप लोग जो भी हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी क्वालिफाइड हैं, हम लोग यूपीएससी ऑफिस के सामने जल्दी से जल्दी पहुंचिए, फिर हम लोग ग्रुप में आपस में कुछ डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पे शोर शराबा हल्ला बिल्कुल भी नहीं करना, सब लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँचिए। हम लोग यहाँ इतने सारी ए एन एम बहन मौजूद है। हम लोग सम्मान के साथ इस बात को रखना चाहेंगे कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमारे हमें पीटीएससी के हर रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, उनके हर प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए हम क्वालिफाइड हैं। और हमारा कुछ तो राइट्स जरूर है, और हम कुछ राइट्स बहुत राइट्स है। प्लस क्या है कि हम इस चीज़ को मान लेंगे कि हमारे हाई कोर्ट साहब ने एक भावनात्मक फैसला दे दिया है, तो हम उनको डिनाय नहीं कर सकते। लेकिन इतना तो हम अपनी बात जरूर कहेंगे कि वो हमारे बारे में भी सोचे। 8000 क्वालिफाइड लोग हैं, हम लोगों का भी आत्मबल टूट जाएगा कि अब लोग पढ़ने से भी लोग दूर जाएंगे, कि हम मेहनत करके हम आगे कैसे बढ़े। तो हमारे हमको ये फल मिला है, हमारी मेहनत का ये फल मिला है। तो हम जवाब मांग रहे हैं अपने बीटीएससी से, और जवाब मांगेंगे कोर्ट से भी, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है और पूरी तरह से हमारा फंडामेंटल राइट बन गया है। और स्वास्थ्य विभाग से भी अपनी मांग को हम लोग आगे रखेंगे। हमारी क्या गलती है कि हम क्वालिफाई किए, हर प्रोसेस को पूरा किए और यहाँ तक आए, तो हमको अब जवाब चाहिए। हमारा भी भविष्य अंधकार में है, हमारी क्वालिफाइड बहनों की भी भविष्य अंधकार में है। अगर अभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे मिलेगा तो फिर पढ़े लिखे का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं खुद संविदा एनएम हूँ, उसमें अच्छा है कि पैसा उसको मिल जाएगा, पढ़ी लिखी उसको कुछ नहीं मिलेगा। मैंने काम करते हुए पढ़ाई की है, और ये हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि हमारे बीटीएससी ने बहुत क्रिस्टल क्लियर प्रोसेस में जा करके एक हीरे को छाट छाट करके सामने लाया है और हमारी बात को रखा है। तो आप इस चीज से अनुभव करेंगे कि फर्जरी को रोकने का काम किया है उन्होंने। हमारे जितने भी क्वालिफाइड लोग हैं, एक हीरे की तरह हम लोग सामने आए हैं। तो अब उस चीज को या तो कोर्ट एक्सेप्ट करे, या स्वास्थ्य विभाग एक्सेप्ट करे, या उसको डिनाई करे, लेकिन सोचने पे उनको भी मजबूर होना पड़ेगा कि वो हमारे बारे में क्या राय रखते हैं। राय क्या रखते, लोगों को जॉब चाहिए। जैसा कि पता चला है कि कुछ बातें जो है, आप लोग जो जितने भी आप लोग क्वालिफाइड हैं, आपसे आपका कोई चर्चा कोर्ट में नहीं हुई है, क्या यह कहाँ तक सच है? ये हद तक सच है, ये सही बात है कि हम लोग को कोई भी पक्ष नहीं रखी गई। तो कहीं ना कहीं ये बात छुपाई गई है, सिर्फ ज्वाइनिंग बच गई थी, बाकी सारा प्रोसेस हो चुका था। चलिए, आप लोगों की विजय होगी, निश्चित विजय होगी। आज जो है लोग पढ़े लिखे का ही मांग है, हीरे को छांटा गया है, बीटीएससी ने सही किया है, और क्वालिफाइड के साथ उनका रहना अति आवश्यक है अंत तक। कोर्ट चाहे जो भी नतीजा दिया हो, लेकिन एक पक्षीय दिया है, क्योंकि बात दूसरी तरफ से नहीं सुनी गई है। ना तो बीटीएससी रखा, सिर्फ ज्वाइनिंग कराना बाकी रह गया है, बल्कि सिर्फ संविदा कर्मी को ही बात सुनी गई, और वहाँ सिर्फ उसे पारितोषी दी गई, सिर्फ संविदा वाली को पारितोषी दी गई। लेकिन आप क्वालिफाइड, इतना मेहनत किए, 3-4 लाख, आप लोग कहते हैं ना कि बहुत पैसे लगे अभी तैयारी करने में, तो इतने पैसे लगे हैं, इसका देनदार कौन होगा? इतना समय बर्बाद हुआ, आप लोग घर बार छोड़ करके, अपने बच्चे को छोड़ करके तैयारी किया शहर में आकर के, जिसका पर मंथ जो है किराया लगभग 15,000-10,000 पड़ता है, इसका देनदार कौन होगा? बीटीएससी भी जवाब देगी, निश्चित देगी, और बीटीएससी आपको साथ देगी, इसमें दो राय नहीं है। पहले आप बीटीएससी से बात करें कि आपके प्रति क्या जो है उनका रवैया रहा। देखिए, इतने स्टूडेंट आ चुके हैं, अगर आप भी हैं तो अभी प्लीज जरूर आइए। आप लोग देख लिए कि कैसे यहाँ पे एएनएम बहन यहाँ पे जा चुकी हैं अपने मांग को लेके, रणनीति तैयार करने को लेकर, बीटीएससी की से जो भी मांग करना है उससे रिगार्डिंग, ठीक है। तो अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं वहाँ पे, तो भारी से भारी संख्या में जाइए, शांतिपूर्वक आप लोग जो भी बात रखना चाहते हैं रखिए, ठीक है। सो आज के इन्फॉर्मेशन में इतना प्राप्त हुआ है, ठीक है। आगे का जो भी इन्फॉर्मेशन आता है मैं अवश्य आप सभी के साथ शेयर करूंगी। बाकी आप लोग अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, इन चैनल पे पहली बार आया हो, चैनल अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से।
ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पर जो है जा करके अपना मांग को रख सके, ठीक है। बाकी जो भी कुछ होता है आप लोग आराम से रखें, शांतिपूर्वक ढंग से ही रखें, ठीक है। ये अच्छा लगा हमें भी देखकर कि आप लोग वहाँ पर शांति से ही अपनी मांग को रखने के लिए पहुँचे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव एंड ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल पर बने रहे। बाय बाय, टेक केयर।